चलिए आज ये साइलोग जल्दी से, है ना। 6 बज चुके हैं और थ्योरी वाली क्लास का हमारे टाइम हो गया। बड़ी खूबसूरत टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, जैन रिलीजन, जैन धर्म। आज जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, अगर जो बच्चा ये पूरी क्लास देख लेगा या लेगी, उसके बाद में जो भी आपके पास बुक हो उससे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपका हमेशा हमेशा पूरी जिंदगी के लिए जैन रिलीजन सॉलिड हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से पूछता है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। डन। चले तो सबसे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक करेंगे, जितने बच्चे हैं सबको वीडियो लाइक करना है। अगर आप लगता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है तो मेहनत का उसको परिणाम मिलना चाहिए, तो आप वीडियो लाइक करेंगे। बाकी एहसान फरामोशों की कमी नहीं है इस दुनिया में। उसने भी कहा था ना, साथ छोड़ूंगे तेरा, लेकिन छोड़कर चला गया इस अल्फत भरी दुनिया में। अल्फत बोलते हैं शायद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखें सा जैन रिलीजन, जैन धर्म, स्टार्ट करें। बहुत सुंदर, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साहब। देखिए जो बोर्ड में आपके लिखा है उसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। पहला लिखा है ऋषभ देव जी, है ना, ऋषभ देव। आपको मालूम है जैन रिलीजन के फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, पता आपको? आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। और गुरु नानक देव जी कौन थे? जिन्होंने सिख रिलीजन की स्थापना की थी, गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए। दूसरा लिखा है यहां पर महावीर। आपको मालूम है कि जैन रिलीजन में, जैन रिलीजन की स्थापना किसने की थी? जैन रिलीजन की स्थापना की थी ऋषभ देव जी ने। डन, क्लियर है। लेकिन जो वास्तविक फाउंडर या वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है महावीर जी को, भगवान महावीर जी को। जिस प्रकार से, अगर मैं थोड़ा सिमिलरिटी, हालांकि सिमिलरिटी नहीं है, जिस प्रकार से सिख रिलीजन में 10 गुरु है ना, गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक, वैसे ही जैन रिलीजन में किसका कॉन्सेप्ट था? तीर्थांकर कहा जाता था, तीर्थांकर, जैसे गुरु होते हैं वैसे। हालांकि सिमिलरिटी ज्यादा नहीं है, फिर भी समझने के लिए ठीक रहेगा। जैसे यहां पर गुरु होते हैं सिख रिलीजन में, वैसे जैन रिलीजन में तीर्थांकर होते थे। तो पहले तीर्थांकर कौन थे? ऋषभ देव जी जैन रिलीजन के पहले तीर्थांकर थे। और करते 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 महावीर जो है वो 24th नंबर के तीर्थांकर थे। डन। और इनको ही जैन रिलीजन का फाउंडर कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि भगवान महावीर के आने से जैन रिलीजन स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो गलत है। उसके पहले 23 तीर्थांकर थे। तो समझ सकते हो कि अगर 20-20 साल भी सारे रहे होंगे, 25-25 साल भी, तो 25 × 23 काउंट कर लीजिएगा, लगभग बहुत पहले से जैन रिलीजन चल रहा था। ठीक है, चलिए। उसके बाद में 24th तीर्थांकर मैंने आपको बता दिया। ऋषभ देव जी पहले तीर्थांकर थे, अभी मैंने बता दिया। ऋषभ देव जी कौन थे? पहले तीर्थांकर थे, जबकि जो अजीत थे ये दूसरे तीर्थांकर थे। 24th तीर्थांकर का नाम याद करना जरूरी नहीं है, 24 लोगों का नाम याद करना जरूरी नहीं है एग्जाम के हिसाब से। वैसे अगर आप उस रिलीजन से हैं तो पता होना चाहिए आपको, है ना। अब वैसे भी दूसरे रिलीजन की सारी बातें मालूम होना चाहिए, लेकिन 24th प्रैक्टिकली याद करना पॉसिबल नहीं है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले ऋषभ देव जी हैं, दूसरे हैं अजीत, 23rd पार्श्वनाथ, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है, 23rd पार्श्वनाथ है और 24th कौन है? महावीर। चलिए नेक्स्ट आता है पार्श्वनाथ, 23वें है, लिखा गया। चलिए ये दोनों बातें जो ऊपर दिख रही है आपको, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लिखा है कि पार्श्वनाथ जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी थे ये कौन थे? तो पार्श्वनाथ जी थे माय डियर, ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ जी कौन थे? जैन रिलीजन के 23rd नंबर के तीर्थांकर थे। और ये कौन थे? जैन रिलीजन के 23rd नंबर के तीर्थांकर थे और ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी मम्मी का नाम था वामा। क्या नाम था? VAMA, वामा। डन। इनकी माता जी का क्या नाम था? वामा। डन। चलिए उसके बाद में पूरा का पूरा जो जैन रिलीजन है वो पूरा फोकस हो जाता है भगवान महावीर पे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है एक बार, एक्चुअली मैं फिलोसॉफी का स्टूडेंट हूं, यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल है फिलोसॉफी। तो सवाल आता है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड ईश्वर? इंग्लिश में तो एक वर्ड है गॉड। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? देखिए, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि की रचना करने के बाद वो वहां से, इस पृथ्वी से चला गया है। समय समय पर कोई दिक्कत होती है तो वो पृथ्वी पर आता है। जैसे
इसका एग्जांपल दिया जाता है फिलोसॉफी में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, ऐसा मकान मालिक जिसने घर बना दिया है अब वो कहीं और रह रहा है, बीच में कभी कोई दिक्कत आती है घर में तो बीच में आती रहता है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ईश्वर वो है, ईश्वर जिसने रचना की है किसकी, पृथ्वी की, बीच में वो आता रहता है, कैसे, कभी भगवान राम का रूप लेके आते हैं तो कभी भगवान कृष्ण आते हैं तो कभी, समझ गए ना, हिंदू रिलीजन में जो कॉन्सेप्ट है अवतारों का, इतने अवतार हैं, कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा ईश्वर। जबकि भगवान क्या है जी, भगवान का मतलब है कि वो पृथ्वी पर इंसान के रूप में आते हैं, इंसानों के जैसे जीवन जीते हैं, इंसान है, पूरा इंसान ही है वो। लेकिन भगवान का मतलब क्या है, भग का मतलब होता है अच्छे गुण और वान का मतलब होता है होना, जैसे बलवान, बल का मतलब बल और वान का मतलब किसी चीज का होना, धनवान धन का होना, वैसे भग मतलब होता है अच्छे गुण, तभी बोलते हैं ना भगवा कलर, भगवा कलर का मतलब होता है अच्छा कलर, शुद्ध और पवित्र कलर। तो भग मतलब अच्छे गुण, वान मतलब किसी चीज का होना, भगवान मतलब जिसके पास अच्छे गुण है आप उसे भगवान बोल सकते हैं। कभी भी आप महावीर ईश्वर नहीं देखोगे, आप सुनोगे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध सुनोगे, है ना, ठीक है, आप कभी ऐसा नहीं सुनोगे ईश्वर महावीर ईश्वर बुद्ध नहीं सुनोगे, क्यों, क्योंकि वो ईश्वर नहीं, वो इंसान के रूप में आए थे, उन्होंने जीवन जिया, पूरी जिंदगी खूबसूरती से जी। अगर आपकी नजर में कोई ऐसा है जो बहुत अच्छे गुणों वाला हो तो आप उसको भगवान बोल सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं मम्मी पापा मेरे भगवान है, सबके माँ बाप को लगता है कि उनसे अच्छा कोई दुनिया में नहीं है, भगवान बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं, पूरा का पूरा फोकस रहेगा अपना किसमें, पूरा का पूरा टॉपिक में फोकस रहेगा भगवान महावीर के ऊपर। भगवान महावीर का जो जन्म है ये कब हुआ था, तो जो भगवान महावीर का जन्म है माय डियर ये कहां पर हुआ था और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, दो क्वेश्चन बड़े फेमस हैं। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि मैंने कैसे याद किया है, मैंने याद किया है कि देखो हर इंसान को पूरी पसंद होती है, पूरी खाते हो, पूरी जानते हो ना, तो हर इंसान को पूरी पसंद होती है, तो एक सुन वो बबली को बोले कि वो जाते टाइम आटा गूंथ देंगे एक्स्ट्रा, पूरी खाने का मन है, पूरी अचार खाएंगे जल्दी, पूरी चाय खाएंगे जल्दी, हाँ वेरी गुड, हाँ आज पूरी खाने का मन है मेरा। चलो हर इंसान को पूरी खाने का मन करता है, ठीक है, जो पूरी होती है मुझे इतनी पसंद है कि मैं एक क्विंटल पूरी खा, एक क्विंटल में 100 kg होता है, है ना, तो मैं एक क्विंटल पूरी खा सकता हूँ, ये ऐसा खा प्रैक्टिकली नहीं है लेकिन याद करने का तरीका, एक क्विंटल पूरी खा सकता हूँ, तो क्विंटल से हो जाएगा कुंडल ग्राम, कुंड ग्राम, भगवान महावीर का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था, और पूरी से हो जाएगा पावापुरी, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर, पावापुरी में, दोनों बातें याद रख लीजिएगा, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, डन। चलिए उसके बाद में एक मोबाइल नंबर जैसे याद कर लीजिए 540 46 8, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो ना, याद है, आप कहीं से लाइन में लगे हो, है ना, या कि रेलवे के लाइन में लगे हो टिकट कटाने के लिए, या कि आप कहीं शॉपिंग मॉल गए हैं और कोई सुंदर सी कन्या अगर आ जाए और वो धोखे से अपना मोबाइल नंबर कस्टमर केयर में बोल दे, बस फिर याद हो गया 98 93, अच्छा अच्छा 7042633154, ओके, हो जाता है ना, सबके साथ होता है, ठीक है, हालांकि वो एक समय होता है, वो समय होता है आपका 18 साल से लेकर के 22 23 24 साल तक का, हालांकि कुछ बहुत ही ठरकी होती है उनका तो लंबा चलता है, लेकिन ये होता है सबके साथ होता, हमारे साथ भी होता था, है ना, हमको भी लगता था बस वो नंबर बोल दिया नंबर याद हो जाए तो बात ही कर लेंगे हमसे, छी गंदी सोच। तो 5404684068, भगवान महावीर का जन्म हुआ था 540 बिफोर क्राइस्ट में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 540 साल पहले, 540 अगो भगवान महावीर का जन्म हुआ था, और 468 बिफोर क्राइस्ट में, मतलब 468 बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हुई थी। फटाक से जितने समझदार बच्चे इस मोहल्ले में हैं मुझे जल्दी से आंसर करेंगे कि अगर किसी का जन्म 540 बीसी में होता है और उसकी मृत्यु 468 बिफोर क्राइस्ट में होती है तो वो कितना साल जिंदा रहा, जल्दी से जल्दी, अगर किसी का जन्म 540 बिफोर क्राइस्ट में हुआ, मतलब ईसा मसीह के जन्म से, अगर मान लो ये ईसा मसीह का जन्म है तो यहां से 540 बिफोर क्राइस्ट, मतलब इनके जन्म से 540 साल पहले इनका जन्म हुआ, और 468 जन्म के 468 साल पहले एक्सपायर हो गए, ये कितना ईयर है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा मेरे को, फटाक से कोई है समझदार टाइप का बच्चा मोहल्ले में जो इसका आंसर दे दे, कितना, वेरी गुड 72 ईयर्स, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल कुमार धर्मेंद्र ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, क्या बताया है कि 72 ईयर से जिंदा थे, ठीक है। चल
नेक्स्ट आगे चलते हैं साहब, आगे देखिएगा, अगला लिखा है बचपन का नाम। भगवान महावीर जो है इनके बचपन का नाम क्या था जी? भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। बहुत बच्चे क्या करते हैं, भगवान बुद्ध, आज मैं 10 बजे रात को भगवान बुद्ध के बारे में सारी बातें बता दूंगा, अभी यहां पर जैन रिलीजन करते हैं, रात को 10 बजे बौद्ध रिलीजन कर लेंगे। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि भगवान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको यह याद है, बू सिद्ध ऐसा करना, बू सिद्ध, बुसिद्ध का बोल दोगे ना, बू मतलब भगवान बुद्ध और सिद्ध मतलब सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि भगवान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना, गलती मत कर देना, ठीक है? चलिए, मम्मी का नाम क्या था? माताजी का नाम था त्रिशला। माताजी का नाम क्या था जी? भगवान महावीर के माताजी का नाम त्रिशला था, और जो पिताजी थे वो ग्रातक क्षत्रियों के वंश थे। जो पिताजी थे, क्वेश्चन पूछा है एक एसएससी में, दो तीन बार क्वेश्चन आया है कि जो भगवान महावीर के पिताजी थे वो किस डायनेस्टी से थे, किस वंश के थे? क्षत्रिय थे, जबकि भगवान बुद्ध के पिताजी शाक्य थे, एस एच ए के वाई ए। जितनी बातें बोल रहा हूं सारी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है? चलिए, उसके बाद में वज्जी संघ की अगर बात कीजिएगा, तो वज्जी संघ क्या था? वज्जी संघ एक प्रमुख सदस्य थे, कौन? भगवान बुद्ध के पिताजी, भगवान महावीर के पिताजी मतलब आदरणीय सिद्धार्थ जो थे वो ग्रातक क्षत्रिय थे और ये वज्जी संघ के मेंबर थे। देन चलिए नेक्स्ट आता है, यहां पर लिखा हुआ क्या, ठीक है? चलिए आगे लिखा है लिच्छवी। लिच्छवी क्या है? भगवान महावीर की जो मम्मी है, आदरणीय माता जी, जिनका नाम है त्रिशला, ये लिच्छवी राजकुमारी थी, मतलब लिच्छवियों के वंश से थी। मम्मी का डायनेस्टी और पापा जी का डायनेस्टी दोनों याद कर लेना। पापा जी किससे हैं? क्षत्रिय थे, वज्जी संघ के मेंबर हैं, जबकि मम्मी जी कौन है? ये लिच्छवी राजकुमारी हैं, लिच्छवियों की डायनेस्टी, लिच्छवी कुल से संबंधित हैं। उसके बाद में भगवान महावीर की शादी होती है यशोदा से, इनकी होती है यशोदा से और वहां होगी यशोधरा से, दोनों में अंतर है। यहां पर यशोदा और भगवान बुद्ध की कहानी है, कई बार कंफ्यूजन होता है। सिद्धार्थ पिताजी ये हैं, वहां पर उनका ही नाम सिद्धार्थ है, यहां पर यशोदा, वहां पर यशोधरा, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जब मैं खुद भी शुरू में पढ़ना चालू किया था तो मैं खुद भी कंफ्यूज रहता था इसमें, सिद्धार्थ यशोदा, सिद्धार्थ यशोधरा। डन, चले, तो इनकी वाइफ का नाम, बीबी का नाम, धर्म पत्नी का नाम क्या था? यशोदा इनकी बीबी का नाम था, और यशोदा के द्वारा इनको एक बेटी रत्न प्राप्ति हुई थी, पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। कितना खूबसूरत नाम है सच में, अनुजा प्रियदर्शनी, कितना खूबसूरत नाम है। चलिए, उसके बाद में जो भगवान महावीर हैं, जिनका नाम वर्धमान है, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया। इंपॉर्टेंट है, कितने एज में? 30 साल की उम्र में, 30 इयर्स की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और उसके बाद में 13 महंत तक, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, 13 महीने तक, 1 year and 1 month तक इन्होंने कपड़े धारण किए थे, और उसके बाद में इन्होंने कपड़े भी त्याग दिया था, वस्त्रहीन रहते थे। डन, चले, उसके बाद में कितने साल तक तपस्या की थी माइडिया? ध्यान रखना, इनकी तपस्या 12 साल है, उनकी तपस्या 6 साल है, दोनों में अंतर है। मैं इस कारण से बार बार बता रहा हूं वहां के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में कंफ्यूजन ना हो। भगवान महावीर ने 12 साल तक तपस्या की थी, कहां? 12 साल तक तपस्या की थी, कहां पर की थी? जरम्भिक एक जगह है, वहां पर की थी। किस नदी के किनारे की थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे की थी। किस पेड़ के नीचे की थी? साल के पेड़, साल एक वृक्ष होता है, उसके नीचे प्राप्त की थी। किसने? भगवान महावीर ने ज्ञान, और जो ज्ञान प्राप्त इनको हुआ था उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोला जाता है कैवल्य। जो ज्ञान भगवान महावीर को प्राप्त हुआ था उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहा जाता है क्या? कैवल्य। याद रहेगा। डन, चलिए, भगवान महावीर को अन्य ढेर सारे नाम से जाना जाता है। एक नाम तो वर्धमान हो गया, एक भगवान महावीर हो गए, एक अतुल पराक्रमी भी कहा जाता है, एक केवलिन भी कहा जाता है, एक निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, पूरी दुनिया के माया मोह बंधन से मुक्त हो चुके हैं, यह भी कहा जाता है, एक जिन, जिन मतलब विजेता, जिसने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली हो। दुनिया पर जीत हासिल करने का मतलब क्या है? ठीक है, दुनिया पर, इतनी चाय नहीं पीऊंगा यार, इतनी चाय कौन पीता है? इतनी चाय तो हम दोनों पी लिया करते थे साथ में मिलकर, एक सिप में और एक सिप वो, हम दोनों एक ही कप में चाय पी लिया करते थे, कितना सुहाना पल था वो, कितना सुहाना पल था वो, मुस्कुराहट और खुशी के साथ हम
जिया करते थे, इतनी चाय नहीं पीऊंगे, बहुत ज्यादा है। चलिए आगे आगे चलते हैं जी। अवंती के राजा प्रदुत, क्या बात है, आपको मालूम है कि भगवान महावीर जो है उनके टाइम पे कौन कौन से राजा थे? एक राजा थे जिनका नाम था अवंती के राजा प्रदुत, साथ ही साथ मगध के राजा बिंबिसार, इसके अलावा नेक्स्ट है सिंध के राजा उदयन, कौशंबी के राजा स्थानिक आदि ने जैन धर्म के प्रचार में भगवान महावीर की सहायता की थी। याद रहेगा तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भगवान महावीर की सहायता किसने किसने की थी तो नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन, अवंती के राजा प्रदोत, मगध के राजा बिंबिसार, उदयन और स्थानिक आदि ने इनकी हेल्प की थी, इनका क्या कहते हैं सपोर्ट किया था। डन, क्लियर है? चलिए उसके बाद में भगवान महावीर की पहली प्रथम शिष्या कौन थी? भगवान महावीर जो शिष्य बनाए थे, जो चेला कहा जाता है, उन्होंने पहली शिष्या कौन सी थी? तो चंपा के राजा दधिवाहन की बेटी पद्मावती। डन, चंपा एक जगह है, उनके राजा दधिवाहन थे, उनकी बेटी पद्मावती जो है ये भगवान महावीर की पहली शिष्या थी। आगे 72 इयर्स में 468 बिफोर क्राइस्ट में इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर हुई थी? राजगिरी में पावापुरी नाम की एक जगह है, राजगिरी में पावापुरी नाम की एक जगह है, वहां पर मल्ल के शासक शस्त्रपाल के यहां पर इन्होंने भोजन किया और भोजन करने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। डन, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। ये देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है जी, अगला क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है क्या कि जो भगवान पार्श्वनाथ थे, 23 नंबर के जो तीर्थांकर थे, जो जैन रिलीजन के 23वें नंबर के तीर्थांकर थे, जो जिनका नाम भगवान पार्श्वनाथ था, इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपग्रह चार बातें की थी, चार मंत्र थे। सत्य मतलब सच बोलो, अहिंसा मतलब हिंसा मत करो, वायलेंस मत करो, अस्तेय मतलब क्या था, चोरी मत करो, और अपग्रह मतलब धन इकट्ठा मत करो। लेकिन जब भगवान महावीर की एंट्री होती है जैन रिलीजन में तो उन्होंने एक और नया मंत्र दे दिया था जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। तो टोटल कितने हो गए थे? 5। ध्यान रखना पार्श्वनाथ जी जब थे तब 4 मंत्र थे, बाद में भगवान महावीर ने उसमें एक और चीज ऐड कर दी थी जिसे कहा जाता है क्या, ब्रह्मचार्य। इनको पंच अनुव्रत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंच अनुव्रत कहा जाता है, इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है पंच अनुव्रत। डन, चलिए उसके बाद में जैन रिलीजन में जो मोक्ष प्राप्ति है, मोक्ष होता है पूरी दुनिया के माया मोह बंधन से मुक्त, जीवन मरण से मुक्त, अब बिल्कुल सीधे ऊपर, इसके लिए 3 दर्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। एक्चुअली मैं फिलोसॉफी के स्टूडेंट हूं तो हमको ये सारे टॉपिक जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, सांख्य, पतंजलि, सबको पढ़ाया गया है अच्छे से। एक टॉपिक है यूपीएससी ऑप्शनल में, अगर जाके देखेगा यूपीएससी ऑप्शनल सर्च कीजिएगा, उसमें फिलोसॉफी देखना, तो ये सारे टॉपिक है, इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पर ढेर सारा पढ़ाया गया था हमको, लेकिन जीके के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बेवजह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनका जो मत है, जो भगवान जैन रिलीजन का मत है, भगवान महावीर का मत है, उसके लिए अनेकांतवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्यायवाद भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा जो भगवान महावीर ने जिंदगी जीने के लिए जो फिलोसॉफी अपनी दी है, इनकी फिलोसॉफी को अनेकांतवाद या स्यायवाद कहा जाता है। डन, चलिए उसके बाद में भगवान महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। बड़ी खतरनाक बात है, ध्यान रखना, यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बना करता है कि भगवान महावीर जो है वो पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, इंसान का पुनर्जन्म होगा, कर्मवाद पे भरोसा करते हैं, जो जैसा कर्म पड़ेगा वैसे उसको फल मिलेगा, ये दोनों चीज फॉलो करते हैं भगवान महावीर, दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बावजूद भी वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। जैन रिलीजन में ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैन रिलीजन में ईश्वर के जहां पर तीर्थांकर को देखा जाता है, जैन रिलीजन में कहीं पर भी ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। डन, चलिए उसके बाद में अहिंसा सबसे प्रमुख धर्म इनका क्या है, हथियार, जो नॉन वायलेंस है इनका जैन रिलीजन का सबसे प्रमुख हथियार माना जाता है। डन, और ऐसा कहा जाता है कि कण कण में कौन है, जीव होता है। जैसे आप देखेंगे कि जो जैन रिलीजन में खेती करने को भी गलत बोला गया है, क्यों, क्योंकि आप खेती करते हैं और खेती करने के बाद में अगर ऐसा होता है कि कौन बात कर रहा है बेटा, रचना गुप्ता, मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर, उसके बाद ना फिर ना तुम्हारी बात हो पाएगी ना, फालतू बात करोगे, शर्म नहीं आती है, यहां पर अच्छे से इंसान पढ़ा रहा है, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है और तुम्हारा लगे चल रहा है सोना बाबू, फालतू बात करती हो, पागल, गुस्सा आ जाएगी मेरे को, मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा ले।
मैं नहीं देखता किसी को, जो करते बने कर लेना मेरा, जो बता देना कर देना थाने में रिपोर्ट मेरी, बोल देना ब्लॉक कर दिया है। चलो फालतू बात मत करो, कोई पास में बहुत गुस्सा आती है मेरे को, समझे? इतने इंसान पहाड़ा यार, इतने चीख चीख के पहाड़ा, साला गलत कर देता है, तुम्हारा बात चल रही है, पागल टाइप की लड़की, पागल कह रहे। चलो अहिंसा सबसे प्रमुख पॉइंट है जैन रिलीजन का। जैन रिलीजन में ऐसा कहा कि खेती करना गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि खेती करने से होता क्या है, खेती करने से फसल उगी उसमें जीव है, भाई जीव है तभी तो बढ़ रहा है ना, और अगर आप पेड़ पौधे को काटते हो मतलब जीव हत्या कर रहे हो। आप जैन रिलीजन देखेंगे, जैन रिलीजन के जो संत होते हैं जैसे दिगंबर या श्वेतांबर जो भी होंगे, वो चाहे दिगंबर मतलब जो नग्न रहते हैं, निवस्त्र रहते हैं, श्वेतांबर मतलब जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, वो देखेंगे यहाँ पे मास्क लगा के रखते हैं। क्यों? वो मास्क इस कारण से लगाते हैं कि ऐसा ना हो कि सबको पता है कि ढेर सारे बैक्टीरिया हवा में रहते हैं, तो वो नाक के माध्यम से अंदर जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे कि उनको पाप लगेगा। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे उनके पास एक मतलब उसको एग्जैक्ट शब्द मुझे नहीं आ रहा पता है उसे क्या बोलते हैं, मैं एक वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर कोई है जैन रिलीजन का तो माफी चाहता हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मालूम है। आप देखेंगे उनके पास एक ना ऐसा होता है जिससे वो आगे आगे चलते टाइम पे हल्का सा हिलाते चलते हैं, मैं बोल दूं क्या वर्ड, मुझे वर्ड एग्जैक्ट नहीं मालूम कि उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं उसके लिए झाड़ू शब्द बोल देता हूं, है ना, ताकि आपको समझ आने के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी वो एक बहुत पवित्र चीज होती है, तो वो पवित्र चीज क्या होती है उसका एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं मालूम है, झाड़ू जैसा होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट ढेर सारे कलर होते हैं, उसको वो लोग हिलाते चलते हैं जमीन में ताकि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सब किनारे हो जाएं, ताकि वो आराम से चल सकें, किसी की मृत्यु ना हो। अब उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई है क्या बोलते हैं, पिच्ची, पंखों जैसा रहता है, हाँ पंखों जैसा पिच्ची है ना, जैसे आप अगर गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरुद्वारे में देखिएगा दो संत या साधु आप जो भी बोलते हैं है ना, वो बैठे रहते हैं, वो ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं हवा करने के लिए, है ना, ऐसा। चलो उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये लीजिएगा, जैन धर्म में जो गृहस्थों की बात अगर की जाएगी, है ना, जैन रिलीजन है, जैन रिलीजन में जो गृहस्थों के लिए चार व्रत बताए गए हैं, जो गृहस्थ हैं जो शादीशुदा बाकी लोगों के लिए चार कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से, देशविरति, कृथा श्रवण, सामिक व्रत और आदर भाव, ये चार कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा। जो गृहस्थ हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी, जिनकी फैमिली है, वो चार चीजों को फॉलो करेंगे। किस वजह से फॉलो करेंगे, वो देशविरति, कथा श्रवण, सामिक व्रत और आदर भाव, ये चार चीजों को फॉलो करेंगे। डन, क्लियर है? चलिए उसके बाद में बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा करता है, जो भगवान महावीर हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस राज्य में था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव उनका वैशाली गणराज्य में था। डन, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको मालूम है कि 300 ईसा पूर्व में जो जैन रिलीजन है वो बंट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। डन, 300 ईसा पूर्व में जो जैन रिलीजन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन होते हैं जी? श्वेतांबर वो होते हैं, ठीक है, जो स्वतंबर कौन होते हैं? स्वतंबर वो होते हैं जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर कौन होते हैं? दिगंबर वो होते हैं जो निवस्त्र रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब महावीर जी की मृत्यु हो जाती है, भगवान महावीर की, उसके बाद में सुधर्मन और जंबू, ये दो महत्वपूर्ण संत हैं जो कि बाद में जैन रिलीजन के क्या बनते हैं? तीर्थांकर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, जो भी आप बोल दो, जिस भी शब्द का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। डन, क्लियर? चलिए, यहां पर लिखा है कि श्वेतांबर जो है श्वेत कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर हैं वो कैसे रहते हैं? बिना कपड़े के रहते हैं। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है कि भद्रबाहु नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना की है जो जैन रिलीजन से रिलेटेड है। भद्रबाहु जो है, जो संत हैं, उन्होंने कल्प सूत्र नाम की एक रचना की है जो जैन रिलीजन से रिलेटेड है। और ये किस लैंग्वेज में है? ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत लैंग्वेज में है, वो भाषा जो नॉर्मली जनरली इस्तेमाल की जाती है लोगों के द्वारा। डन, क्लियर है? चलिए उसके बाद में, मथुरा और जो उज्जैन था वो जैन रिलीजन का महत्वपूर्ण सेंटर था। जो मथुरा और उज्जैन था ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण सेंटर था, यहां पे इसका बहुत बड़े लेवल पे क्या था, विकास हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे इनका फोकस था। साथ ही साथ जो जैन रिलीजन है, जैन संत हैं, उन्होंने पहले अर्ध मगधी भाषा का इस्तेमाल किया था, उन्होंने सबसे पहले अर्ध मगधी भाषा का इस्तेमाल किया था, जो बाद में जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया था अपभ्रंश,
जितनी बातें बोर्ड में लिखी हैं सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। कुछ पॉइंट्स आपको टफ लग रहे होंगे लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर कुछ पॉइंट टफ लग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर आप सिलेक्शन भूल जाइए, क्योंकि सिलेक्शन जो पेपर है ना वो आपके पापा बना रहे हैं ना मेरे पापा बना रहे। यार बच्चों को टफ लगेगा, इजी दे दो ना, कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन में क्या होता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बना मतलब आप रेस से बाहर हो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आगम। जो जैन रिलीजन के ग्रंथ होते हैं, लिटरेचर होते हैं, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आगम कहा जाता है। और आगम का मतलब क्या है, आगम का मतलब है प्यार, प्यार मतलब लव। नेक्स्ट 12 अंग 11 उपांग और आपका 4 मूल सूत्र 1 नंदी सूत्र और 7 6 सूत्र जैन रिलीजन के ये साहित्य हैं। कौन कौन से जैन रिलीजन के महत्वपूर्ण साहित्यों में 12 अंग हैं। जैसे वेद होते हैं 4 वेद हो गए है ना, फिर वो काव्य जो सी छैनीलू हो गया, उपवेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, ऐसा हिंदू रिलीजन में है। वैसे 12 अंग हैं, 11 उपांग हैं। क्वेश्चन पूछा है जैन रिलीजन में कितने अंग हैं, आप बोलोगे 12 अंग हैं। कितने उपांग हैं, 10-11 उपांग हैं। कितने पैन हैं, 10 पैन हैं। कितने मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। कितने नंदी सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है। और कितने 6 सूत्र हैं, 7 6 सूत्र है। क्वेश्चन एग्जाम में हंसा चुका है, मुझे उम्मीद है याद कर लोगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैन रिलीजन की जो पहली सभा हुई थी, पहला सम्मेलन हुआ था, पहला संगोष्ठी हुआ था, ये इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र इसके पहले अध्यक्ष थे। किस राजा के टाइम पे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ था। कहां पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। डन, क्लियर है। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला सम्मेलन कब हुआ था, अगला सम्मेलन हुआ था 513 बिफोर क्राइस्ट में। इसके चेयरमैन कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण इसके चेयरमैन थे। और कहां पर हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और इस सभा में जैन ग्रंथों का अर्धमगधी में कंपाइलेशन किया गया था, संकलन किया गया था। डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जैन धर्म में ही अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण हेमचंद्र जी ने तैयार किया था, एक। दूसरा, जैन धार्मिक साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में अधिक देखने को मिलते हैं, और जो जैन मंदिर होते हैं उनके लिए बसादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गई भैया जैन रिलीजन की सारी कहानी। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जितनी बातें मैंने बताई हैं सारी एग्जाम में इसको पढ़ लोगे उसके बाद बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना गारंटी है कि जितनी मैंने बोर्ड में जितनी चीजें आपको पढ़ाई हैं, 97-98% बातें आपकी तैयार हो चुकी हैं। इसके बाहर चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने के। फिर भी मैं 100% कभी नहीं बोलता कि भाई 100% कभी किसी चीज के लिए नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बताना कि इसको जितना मैंने आपको बताया है इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो भी आपके पास बुक है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फिर से बोलता हूं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, कई हजारों बार यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको अगर कुछ चीज टफ लगती है, कोई टॉपिक टफ लगता है, कोई सब्जेक्ट या कोई पॉइंट ऐसा है जो टफ लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नहीं पढ़ोगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ी भी टॉपिक यहाँ वहाँ आपने किया, कोई सब्जेक्ट यहाँ वहाँ किया, उसको खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। हमारा क्या है, कुछ नहीं होगा, ना मेरा कुछ होगा ना मम्मी पापा होगा। आप जिंदगी आपकी है, आप ही हो उसे बनाने वाले, आप ही हो उसको बुरा करने वाले और आप अच्छा करने वाले। मिलते हैं 10 बजे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। रात को करेंगे आज हम बौद्ध रिलीजन के बारे में सारी जानकारी। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा।